मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं इस वीडियो में सेक्शन 3 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज से संबंधित है, जिसको निर्वचन खंड भी कहा जाता है, इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो भी शब्द परिभाषित किए गए हैं उनका पूरे इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ने में बार बार यूज होता है। और कई बार जब तक आप उन शब्दों को नहीं समझ लेंगे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो उन्हीं शब्दों को लेकर ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज मैं शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहला जो वर्ड है वो है तथ्य। तथ्य का अर्थ है, तथ्य से अभिप्रेत है उसके अंतर्गत ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, या कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को। अर्थात इसका कहना यह है कि एनी थिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग्स कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय द सेंसेस और एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। इसका अर्थ यह है कि कोई भी ऐसी चीज जिसे, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे वीडियो सेशन को YouTube पर देख रहे हैं, इस दुनिया में जो कुछ भी अस्तित्व में है, एग्जिस्टेंस में है, वो सब फैक्ट होते हैं। फैक्ट अर्थात तथ्य। किस पर्टिकुलर स्टेट में है, एक फैक्ट की पर्टिकुलर क्या स्टेट है, तो तथ्य जो सेंसेस के द्वारा परसीव किए जा सके, इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो और उसको आदमी जैसे इंद्रियों से, कानों से सुनना, छूना, हाथ से देखना, ठंडा गर्म, सूंघना, ये सब रिलेशन ऑफ थिंग्स सारी बातें सेंसेस से परसीव होती हैं। क्रिमिनल ऑफेंस में मोर देन वन यहाँ पर एक्यूज है, एक उदाहरण है, तो दोनों एक्यूज की जो विक्टिम से क्या एनिमी थी, दुश्मनी थी, पर्टिकुलर फैक्ट्स को कंबाइन करके वो रिलेशन देखा जाता है। ये फैक्ट्स कैपेबल ऑफ बींग परसीव्ड बाय द सेंसेस, ह्यूमन बींग सेंसेस से उसको परसीव करते हैं अपने सेंसेस से, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। तो इस प्रकार जो मैंने सबसे पहली डेफिनेशन तथ्य या फैक्ट की बताई, उसका अर्थ यही है कि ऐसी कोई वस्तु या वस्तु की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों के द्वारा जिसको बोधगम्य या पता किया जा सके, और कोई भी ऐसी मेंटल कंडीशन जिसका भान किसी व्यक्ति को। एज फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एविडेंस एक्ट में कहा गया है कि अमुक स्थान पर, अमुक क्रम में, अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, कोई भी वस्तु है उसके बारे में अमुक स्थान में, अमुक क्रम में वस्तु व्यवस्थित है, ये एक तथ्य है। किसी भी मनुष्य के द्वारा कुछ देखा या सुना गया, ये एक तथ्य है। किसी मनुष्य ने कोई शब्द कहे, यह एक फैक्ट है। कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, ये एक फैक्ट है। अमुक व्यक्ति की कोई ख्याति या रेपुटेशन है, यह भी एक फैक्ट है। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कोर्ट की। कोर्ट या न्यायालय का अर्थ यह है कि इसके अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट जो भी न्यायालय के अधीन कार्य कर रहे हैं और वैध रूप से उनको अथोराइज, लीगली अथोराइज किया गया है, ऐसे सभी व्यक्ति आते हैं, केवल मध्यस्थों को छोड़कर, आर्बिट्रेटर्स को इसमें छोड़ दिया गया। नेक्स्ट, तो इसका ये कहने का, कोर्ट का अर्थ यही है कि सारे पर्सन जो लीगली अथोराइज बाय लॉ है उनको ऑथोराइजेशन लॉ द्वारा दिया गया है। जजेज मजिस्ट्रेट उसमें इंक्लूड है, आर्बिट्रेटर उसमें इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट है रेलिवेंट फैक्ट, सुसंगत शब्द। सुसंगत क्या होता है, आप जिस भी इश्यू पे बात करते हैं आपस में कोई भी व्यक्ति, तो वो बात उस बात तक कन्फाइंड रहती है। और ये कहा जाता है कि आप रेलिवेंट फैक्ट पे बात करिए, इररेलिवेंट या इनकंसिस्टेंट फैक्ट पे बात मत कीजिए। रेलिवेंसी इज वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलिवेंट, अगर एक फैक्ट दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ है या कनेक्टेड है और उससे मिलता जुलता है किसी भी तरह से। एविडेंस में कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जिनमें रेलिवेंट फैक्ट माना गया है, ये 6 से 55 तक इस तरह के रेलिवेंट फैक्ट बताएगा। और रेलिवेंट फैक्ट को ही साक्ष के दौरान ग्राह्य किया जाता है न्यायालय के द्वारा। कोर्ट में रेलिवेंट फैक्ट सुसंगत तथ्य ही ग्राह्य होते हैं, इररेलिवेंट या इनकंसिस्टेंट फैक्टों को नहीं लिया जाता। इसके बाद है फैक्ट इन इश्यू, बोन ऑफ कंटेंशन या मुद्दे की बात क्या है, लड़ाई की
किस बात को लेकर हो रही है, लड़ाई की जड़ क्या है, इश्यू यह हुआ कि ए ने बी का मर्डर किया, तो इस बात को लेकर मान लीजिए झगड़ा है कि ए ने बी को 10,000 रुपये दिए, वो कहता है नहीं दिए, एक व्यक्ति उस फैक्ट को एसर्ट करेगा, दूसरा डिनाई करेगा, इस पर फैक्ट एंड इश्यू या वाद प्रश्न निर्धारित होगा और ये एविडेंस ली जाएगी कि वास्तव में ए ने बी को 10,000 रुपये दिए कि नहीं। कोई पार्टी उसको एलिज्ड करेगी, दूसरी उसको डिनाई करेगी। ए इज एक्यूज्ड है, जैसे एग्जांपल क्रिमिनल केस में मर्डर ऑफ बी का, ए ने बी की क्या डेथ कॉज की, क्या उसका इंटेंशन ऐसा था, क्या ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में उसने मर्डर किया या जनरल एक्सेप्शन के अंतर्गत यह आता है, कोई वो अनसाउंड माइंड की कंडीशन में था, तो ये सब फैक्टों को फैक्ट इन इश्यू में डिटरमिन किया जाएगा और इस पर से एविडेंस न्यायालय के समक्ष ली जाती है। अब है दस्तावेज। दस्तावेज का अर्थ है डॉक्यूमेंट, कोई भी ऐसा पेपर या दस्तावेज, ऑर्डिनरी भाषा में हम ये कहते हैं कि कोई भी मैटर किसी सब्सटेंस पर रिकॉर्ड करने के लिए पर्पज से, चाहे वो मुद्रित हो, फोटोग्राफ हो, डीड हो, लिथोग्राफ हो, मैप हो, प्लान हो, प्लेट्स हो, स्टोन हो उस पर लिखा हुआ, कैरिकेचर हो, पेंटिंग हो, लेटर्स हो, फिगर्स हो, मार्क्स के फॉर्म में किसी भी चीज पे जो लिखा रहता है उसको दस्तावेज कहा जाता है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में दस्तावेज शब्द को डिफाइन ऐसे किया गया है कि दस्तावेज से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों के द्वारा, अंकों के द्वारा, चिन्हों के साधन द्वारा या उनमें से किसी एक से अधिक साधन के द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने के लिए आश्रित या इंटेंडेड हो या उपयोग किया जाए। जैसे लेख एक दस्तावेज है, मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटोचित्रित शब्द दस्तावेज है, धातु पट्टी या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है, उपासांकन एक दस्तावेज। अर्थात ए राइटिंग इज ए डॉक्यूमेंट, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट्स, ए मैप और प्लान इज ए डॉक्यूमेंट, ए कैरिकेचर इज ए डॉक्यूमेंट। तो इस तरह ये दस्तावेज परिभाषित इंडियन एविडेंस एक्ट में किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एविडेंस। साक्ष्य क्या होती है, जिसको साक्ष्य को इंडियन एविडेंस एक्ट में परिभाषित किया गया है, साक्ष्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की परमिशन देता है या अपेक्षा करता है, ऐसे कथन ओरल एविडेंस कहलाते हैं। अर्थात किसी भी मामले को प्रमाणित करने के लिए जब न्यायालय के समक्ष या तो वो फरियादी या कंप्लेनेंट होगा या विटनेसेस होंगे, ऑन ओथ जब उसका कथन शपथ पर न्यायालय के समक्ष लिया जाता है तो वो ओरल एविडेंस कहलाती है। न्यायालय के निरीक्षण के लिए जब भी कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मंगाए जाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की श्रेणी में आते हैं। तो इसका कुल मिलाकर एविडेंस या साक्ष्य शब्द का कहना यह है, ऑल स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस, फैक्ट्स अंडर इंक्वायरी, वो सारी चीजें जो कोर्ट अपनी अनुमति देती है और फिजिकली प्रेजेंट होकर डिपोजिशन पर ओरल एविडेंस के रूप में उस व्यक्ति या साक्षी का कथन न्यायालय के समक्ष लिया जाता है। और जब डॉक्यूमेंट्स आदि रिक्वायर किया जाता है कोर्ट के द्वारा जो पार्टी प्रस्तुत करती है तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहलाता है। नेक्स्ट है प्रूव्ड। प्रूव्ड अर्थात साबित करना। साबित का अर्थ यह है कोई भी तथ्य साबित हुआ तब कहा जाता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थिति में किसी ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन को उस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का एग्जिस्टेंस है। इसका मतलब यह है कि कोई भी तथ्य न्यायालय के समक्ष जब रखा जाता है और न्यायालय उसे ग्राह्य कर लेता है तब वो फैक्ट साबित या प्रूव्ड माना जाता है। जबकि नासाबित का अर्थ है डिसप्रूव्ड का। कोई भी तथ्य नासाबित हुआ तब कहा जाएगा जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के बाद या यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसके अनस्तित्व को इतना अधिसंभाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थिति में किसी प्रज्ञावान या ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तत्व का अस्तित्व नहीं है, तो वो डिसप्रूव्ड कहलाए। प्रज्ञावान व्यक्ति होता है जो ऑर्डिनरी पर्सन साधारण परिस्थितियों में उस चीज को समझे कि वास्तव में वो प्रूव्ड है, डिसप्रूव्ड है, जैसी भी स्थिति है, तो ये प्रज्ञावान व्यक्ति कहलाता है। साबित नहीं हुआ अर्थात नॉट प्रूव्ड का अर्थ है कोई भी तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाएगा जबकि वह ना तो साबित किया गया हो और ना ही ना साबित। तो इस तरह
ये साबित ना साबित और साबित नहीं हुआ की परिभाषा दी गई है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण परिभाषा इस इंटरप्रिटेशन क्लॉज में और दी गई है, जो कि एविडेंस से संबंधित है और इंडियन एविडेंस एक्ट इज को इसको इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव इस कारण माना गया है कि गवाह का डेमनर ऑफ विटनेस भी कोर्ट नोट करता है। गवाह जब कथन देता है उसकी भाव भंगिमा आचरण क्या था, ये न्यायालय के न्यायाधीश का कर्तव्य है, मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है। एविडेंस ऑब्टेंड बाय अनडिजायरेबल मीन्स, पुष्पा देवी वर्सेज एम जटिया वर्सेज एमएल बाधवान के केस में एक कोर्ट ने अनडिजायरेबल मीन्स के लिए गए एविडेंस को भी कंसिडर किया था। इसके अलावा एफिडेविट के फॉर्म में पर्टिकुलर केस में एफिडेविट को भी इंक्लूड किया जाता है अगर कोर्ट उसे परमिट कर देती है। एफआईआर का यूज कॉरेबोरेट या कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए किया जाता है। रिकॉर्डेड कोई टेप वगैरह की अगर एविडेंस है तो टेप रिकॉर्डिंग ऑफ ए कन्वर्सेशन इज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। स्टेट वर्सेज नवजोत सिद्धू 2003 के मामले में कॉल रिकॉर्डिंग को मान्य किया गया था। या ट्रैकर डॉग आगे डिस्कवरी के लिए अब्दुल रजाक वर्सेज स्टेट के मामले में इसे लिया गया था। तो कुल मिलाकर साक्ष्य शब्द से अभिप्रेत है एविडेंस से वे सभी कथन जो जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा लिए जाने की परमिशन देता है, ओरल एविडेंस कहलाती है और डॉक्यूमेंट्री है। तो ये कुछ परिभाषाएं जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट से संबंधित है, मैंने इंटरप्रिटेशन क्लॉज में सरल भाषा में आपके समक्ष बताने का प्रयास किया, क्योंकि ये कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे कोई भी मैटर जो जिसमें एविडेंस को न्यायालय द्वारा ग्राह्य किया जाता है रेलिवेंट फैक्ट से संबंधित होनी चाहिए, इश्यूज ऑफ फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू जिस पर मामला विवादित है, एक पक्ष उसको एसर्ट करता है दूसरा डिनाई करता है, जब वो न्यायालय द्वारा ग्राह्य कर लिया जाता है तो वो फैक्ट प्रूव माना जाता है, और जब लास्ट में न्यायालय एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के लिए गवाहों के कथनों का मूल्यांकन करता है तो उसमें गेहूं और भूसा जैसे अलग अलग हो जाता है, उसी तरह न्यायालय उस एविडेंस को निर्णय लिखते समय अंतिम निष्कर्ष पर मेरिट पर विचार करते समय उस एविडेंस को कितनी एविडेंस रिलायबल है कितनी नहीं है कितनी डिस्कार्ड की जाती है सभी विषयों पर विचार करने के बाद उसका फैसला या निर्णय लिखता। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है ये सरल भाषा में मैंने आपको बतलाया, और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर करें, और एक अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।